नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न की। और भारत रत्न की इसलिए बात करने वाले हैं कि भारत रत्न देने के लिए अभी अभी जो घोषणाएं हुई है 2 दिन पहले, उसी घोषणा के अनुसार हमारे किसानों के सर्वोच्च आदरणीय नेता चौधरी चरण सिंह जी को भी अब ये प्रतिष्ठा राष्ट्र की ओर से जब मिलने वाली है, तो उसके बारे में बात करना, चर्चा करना और अपने भीतर का एक आनंद व्यक्त करना हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी YouTube चैनल दी टेक फॉर लाइफ में। दर्शक मित्रों, हमारे देश के आजाद होने के बाद राष्ट्र का जो सर्वोच्च प्रतिष्ठा सम्मान है भारत रत्न, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा देश के कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने इस देश के लिए कभी न कभी बहुत कुछ किया है। किंतु कुछ ऐसे महानुभाव अभी भी इस सम्मान से कुछ दूर थे, जैसे कि हमारे आदरणीय किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी। अभी अभी 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने जो नए नामों की घोषणा की है भारत रत्न सम्मान से प्रतिष्ठित होने के लिए, उसमें हमारे किसानों के साथ जुड़े हुए दो नेताओं का, दो चरित्रों का नाम है। उसमें एक चरित्र जो है चौधरी चरण सिंह जी, वे हमारे राजकीय पथ दर्शक है, वे हमारे राजकीय सामाजिक और व्यवस्थाओं को बनाने वाले महापुरुष है, जिन्होंने हम किसान, किसानी और गांव के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया जिसका हम कभी भी लेखा जोखा नहीं कर सकते। उतना बड़ा काम उन्होंने हमारे लिए, हम किसानों के लिए, हमारे गांव के लिए किया है। ठीक वैसे ही स्वामीनाथन साहब जो है, उन्होंने टेक्निकल जगत के साथ जुड़कर हमारी खाद, हमारे बीज और हमारे जंतुनाशक, हमारी कृषि व्यवस्था के लिए जो जो टेक्निकल है, जो जो तांत्रिक मुद्दे है, उसके साथ उन्होंने अपना जीवन जोड़ दिया। और उनके जीवन के योगदान से हम किसानों को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। और ये दोनों महापुरुषों की बदौलत, इस दोनों महापुरुषों की वजह से आज हमारी किसानी, हमारा गांव और हमारी किसानों की जो व्यवस्था है, उसका एक चरित्र बना है। और वो चरित्र ऐसा बना है और इतना ताकतवर बना है कि हम दुनिया के सामने खड़े होकर, दुनिया की आंख में आंख मिलाकर अपनी बात कर सकते हैं। और हम जो दुनिया की आंख में आंख मिलाकर अपनी बात कर सकते हैं, उसमें ये दो चरित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों महापुरुषों के एक संयुक्त योगदान को आज हम इस वीडियो में याद करेंगे। बाकी आगे जाकर स्वतंत्र रूप से उन दोनों महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया, उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज उन दोनों की वजह से जो एक संयुक्त एक व्यवस्था हमें मिली है, उसके ऊपर हम सामान्य बातचीत करेंगे। आप सभी ने नाबार्ड शब्द सुना है, और नाबार्ड शब्द आपने इसलिए सुना है कि आप सभी जब खेती करते हैं, खेती के साथ जुड़े हैं, और कृषि के लिए जब हम ऋण लेते हैं, तो कृषि ऋण की जो हमारी सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक स्वतंत्र बैंक बनाकर उसके साथ जोड़ने के लिए इन दोनों महापुरुषों ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सोचा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। और उसको लेकर हमें नाबार्ड नाम की जो संस्था मिली है, उस संस्था,
1982 में कार्यरत हुई, लेकिन उसकी नींव रखने के लिए अगले 10 साल का संघर्ष ये दोनों महापुरुषों ने किया था, और उस दोनों महापुरुषों के संघर्ष की वजह से आज हम नाबार्ड की व्यवस्था से अपना कृषि ऋण ले रहे हैं, और हमारी कृषि ऋण की जो जरूरतें हैं वो इस संस्था के जरिए हम पूरा कर सकते हैं। ये दोनों महापुरुषों ने जितना दिया है किसानों को, किसानी को, और उसके जरिए इस देश को, इसका कोई अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन हम छोटे लोग जब मिलते हैं, छोटे लोग जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और हमारी खुशी जब हम व्यक्त करते हैं और हमारे समुदाय के सामने व्यक्त करते हैं, हम किसान समुदाय के सामने व्यक्त करते हैं, ग्रामीण समुदाय के सामने व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने में भी, व्यक्त होने में भी, और आप सभी से जुड़ने में भी हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। अभिनंदन हमारे उन नेताओं को जिसको भारत सरकार ने ये राष्ट्र का सर्वोच्च पद प्रतिष्ठित दिया है, और आप सब इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जय किसान, जय भारत।